इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना ही आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM मशीन पर जाना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसके लिए ना तो आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मोबाइल बैंकिंग का। सिंपली आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ा था। घर बैठे आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेबिट कार्ड सब कुछ मिल गया था और इंस्टेंट आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट करने के लिए आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आपको सर्च करना है AUbank.in या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके भी AU बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप विदाउट इंटरनेट बैंकिंग अपने डेबिट कार्ड का पिन बना सकते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस हाईलाइट किए गए हैं, जैसे यहाँ पर अबाउट अस, इन्वेस्टर, कैरियर, डेबिट कार्ड सर्विस। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा डेबिट कार्ड सर्विस का। यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाता है या खराब हो जाता है तो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल भी उसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जनरेट अपडेट डेबिट कार्ड पिन मिलेगा। यहीं से आप अपने डेबिट कार्ड का नया पिन जनरेट कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग ब्रांच आर ATM। ना तो आपको ATM मशीन पर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको ब्रांच। आप घर बैठे अपने मोबाइल से आप अपने डेबिट कार्ड का नया पिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा जनरेट अपडेट डेबिट कार्ड पिन। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड डिटेल, पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपको अपना डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको 16 डिजिट वाला अपना डेबिट कार्ड का नंबर डालना होता है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना है कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन भी बना सकते हैं और जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होता है उसका भी पिन आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालनी होती है कि आपके डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट कितनी है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपायरी डेट है मैंने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया। ईयर डालना है और यहाँ पर मंथ डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी होती है। जो आपका CRN नंबर होता है वही आपका कस्टमर आईडी होता है, तो यहाँ पर हम अपनी कस्टमर आईडी डालेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर डालना होता है। तो यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। अगर यहाँ पर आप पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना होता है। तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर न डाल के डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको ईयर मिल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप ईयर चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको मंथ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना मंथ चूज़ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको सबमिट OTP का बटन मिलेगा। सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट है 4-डिजिट पिन। यहाँ पर आपको नया पिन बनाने के लिए ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर आपको 4-डिजिट का पिन बनाना है। जो भी ये पिन आपको बनाना है यहाँ पर अपने मन से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन डाला, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म करेंगे अपने पिन को और यहाँ पर नीचे आपको कन्फर्म का बटन मिलेगा, कन्फर्म कर देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग के बाद आपका डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड योर डेबिट कार्ड पिन। आपका पिन यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, थैंक यू, योर डेबिट कार्ड पिन इज नाउ सेट। आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए ना तो नेट बैंकिंग का जरूरत पड़ा है, ना तो आप अपने ब्रांच पर विजिट किए, ना तो आपको ATM मशीन पर। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने डेबिट कार्ड का पिन नॉर्मली जनरेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।